तो दोस्तों वैष्णवी ऑर्गेनिक फॉर्म में आपका स्वागत है एक और नेचर से साथ और उन विश्वास को हम लेने आए हैं इनसे जो ये हमसे प्रेम करते हैं और एक पेड़ जितनी अपने जीवन के अंदर जितना समर्पण एक इंसानों के लिए करता है हम उनके प्रति थोड़ा भी योगदान नहीं दे पाते हैं काफ़ी लोग अपने योगदान को मतलब छोड़ देते हैं कि जो इनका साथ है इनको हम परिवार समझते नहीं इनका साथ को कभी वैल्यू माना ही नहीं और इन कम वजहों से हम कई बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं दोस्तों उन्हीं पेड़ में से एक है आज इसके बारे में बताने वाले हैं आप ध्यान से देख लीजिए इस पेड़ का नाम है अर्जुन हम बिहार में कहुआ बोलते हैं इसके जो फल होते हैं आप फल से भी पहचान सकते हैं देखिए ये है, डंगी हमने तोड़ लिया है इसमें छः धारी होता है पाँच छः धारी वाला देखिए थोड़ा ध्यान से देख लीजिए अगर आपको कहीं भी दिख जाए तो ये बहुत काम का चीज़ है इसमें कैल्शियम का भरमार है। हाई क्वालिटी नेचुरल कैल्शियम यहीं से बनाया जाता है यहीं से प्रोडक्शन पूरे भारत में भी जो कैल्शियम तैयार किया जाता है इस पेड़ों के वजह से किया जाता है इसके छाल में काफ़ी कैल्शियम का मात्रा है अब इसका उपयोग हम कहाँ करेंगे <laughs> तो किसी का पैर हाथ टूट गया है तो क्या करें कि इसका पेड़ का जो छाल है वो ले करके और जो है हम क्या करेंगे पीस लेंगे पीस करके उसमें हल्दी लगा करके और जहाँ पे वो टूट गया है वहाँ पे हम लगा देंगे ठीक है लगाने के बाद क्या होगा कि बहुत जल्दी बहुत जल्द आपको वो जो है हल्दी को हड्डी को मेंटेन करेगा मतलब जोड़ने में काम करेगा दूसरा काम क्या कर सकते हैं कहीं भी जल गया है कट गया है वहाँ पर आप इसको पीस ले और पीसने के बाद क्या करें कि पीस करके लगाना है किस पे कैसे तो पीस के हल्दी मिलाना है और चूना मिलाना है और मिला करके जला हुआ जगह पे लगा दीजिए बहुत जल्दी भर जाएगा अगर पाँच दिन के अंदर जले हुए जगह पे पाँच दिन आपने इसका जड़ को पीस दिया छील करके और ले जाके वायल कर लीजिए या पीस लीजिए पीस करके लगा दीजिए हल्दी और चूना डाल के बिल्कुल सही हो जाएगा अब कैल्शियम कैसे पूरा करें तो कैल्शियम आपको इसका जड़ लेना है इसका जो छिलका है आप इन्हें फल आप पहचान लीजिए यही फल होता है इसमें इसका ये पहचान है इसका पत्ता होता है अमरूद के पत्ते के तरह होता है थोड़ा बड़ा बड़ा होता है आप देख सकते हैं यह पहचान है तो अभी हम आपको बता रहे हैं अब थोड़ा सा इधर आओ ये देखिए दिखाने वाले हैं आपको <laughs> इसका छाल लेना है इसका छाल लेकर के जैसे आप कोई भी चीज से छाल निकाल लीजिए ठीक है और निकालने के बाद क्या करना है कि इसको पीस लेना है मिक्सी में पीस लीजिए पीसने के बाद इसमें हल्दी और हल्दी मिला लीजिए ठीक है और मिलाने के बाद अगर आपको इंसान को पीना है गाय को लगाने के लिए बता रहे थे अभी तो फिर ये गाय को आपको लगा देना है जहाँ पे उसको जल कट गया है वहाँ पे इसको लेप लगा दीजिए बिल्कुल सही हो जाएगा अब इसको पीने का बताते हैं पीना क्या है इसका छाल को लेना है और छाल को लेने के बाद क्या करना है मेरे भाई कि इसको वायल करना है वायल करके और इसका जो पानी होगा उसको छान लीजिए और छान करके हम इंसान या जानवर किसी को भी पिला देना है इससे क्या होगा जो कैल्शियम का कमी होगा वो पूरा कर देगा साथ में क्या करेगा ये जो यूरिक एसिड किसी को रोग होता है इंसान को वो यूरिक एसिड में बिल्कुल रामबान है आप चाय के जगह पे इसी का छाल का उपयोग करें इसको छाल को पहले ढेर सारा छील के ले लीजिए और सुखा दीजिए सुखा करके थोड़ा सा चाय डालते हैं वैसे ही इसको डाल के और पानी में बॉयल कर लीजिए फिर इसका आप इस्तेमाल करिए तो यूरिक एसिडी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और जानवरों के लिए इंसान के लिए क्या है जिसका हड्डी टूट गया है उसको इसका बॉयल करके रस निकाल लीजिए और फिर वो रस जो है जानवरों को इंसान को दे दीजिए पिला दीजिए तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा तो थैंक यू धन्यवाद